पूरी तैयारियां हैं और प्रशासन के तौर पे प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। जिले के सरकारी लॉ कॉलेज में वोटिंग की गिनती होगी, कड़ी सुरक्षा के बीच में ये गिनती कराई जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी है, 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती, कड़ी सुरक्षा के बीच होगी वोटिंग की गिनती। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि किमसर उपचुनाव की मतगणना कल है। तो जिले के सरकारी लॉ कॉलेज में होगी वोटों की गिनती, तो ये बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, किमसर उपचुनाव की मतगणना कल और 7 सीटों पर कल राजस्थान में मतगणना होनी है। वहीं कल का दिन बेहद ही अहम है पूरे देश के लिए। राजस्थान में 7, उत्तर प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के भी नतीजे आएंगे, झारखंड में भी चुनाव हुए हैं। यानी अब ये इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है, देखना ये होगा कि जो नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है या फिर कांग्रेस के, या अलायंस इंडिया अलायंस की बात कर लें, एनडीए के फेवर में जाता है या इंडिया अलायंस के। ये बड़ा दिलचस्प इस बार का मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में अगर अभी आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ भी बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे रहे हैं। और हरियाणा में शुरुआत में जब काउंटिंग, आपको याद होगा अगर आपने हमारी टीवी इंडिया न्यूज़ राजस्थान को देखा होगा, तो हरियाणा की बात करें तो शुरुआत में एक पल को ऐसे लगा था कि नहीं, कांग्रेस इस बार कमाल करने वाली है, लेकिन हवा अचानक रुख बदला, चीज़ें धीरे धीरे बीजेपी के फेवर में होती चली गई और देखते ही देखते वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, कांग्रेस जो है वो विपक्ष में चली गई। तो यानी तीसरी बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। अब झारखंड में इस बार क्या होता है, क्यों सर की अगर बात करें, देखिए हम आपको राजस्थान के अलावा भी इधर उधर की हम आपको बात बता दे रहे हैं कि प्रदेश में के अलावा महाराष्ट्र में क्या स्थिति रही, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब राज्य जो हैं अगर देखना जाए तो यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं और चुनाव जहाँ नतीजे आने हैं उनके क्या प्रभाव हुए हैं, वो एक ट्रैक रिकॉर्ड उससे निकलता है, उससे एक चीज़ें आकलन जो है मोटा मोटी आप आकलन लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे चलिए, अब हमारे साथ मेरे सहयोगी सुशील दिवाकर जुड़ रहे हैं। सुशील, अगर कल की मतगणना की बात करें तो तैयारियां कैसी हैं, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? विधानसभा सीट के लिए नागौर के राजकीय विधि महाविद्यालय में मतगणना होगी और इसी को लेकर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही करीब 950 से ज्यादा पुलिस जवान जो है वो तैनात किए गए हैं जहाँ पर मतगणना होगी। इसके साथ ही मतगणना के बाहर भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा व पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नागौर की सीट इस बार क्योंकि सबसे हॉट सीट है, ऐसे में पूरे राजस्थान की नजर जो है वो खींवसर विधानसभा सीट पर रहने वाली है और इस बार खींवसर विधानसभा सीट पर जो है वो खींवसर की जनता ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। करीब 75.66% इस बार मतदान हुआ है जो कि अगले बार से पिछली बार से 3.16% अधिक मतदान है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस बड़े हुए मतदान को अपनी तरफ बता रही है, लेकिन खींवसर की जनता इस बार किसको चुनती है, किसके सिर पर जीत का सहरा सजाती है, ये देखने की बात होगी। खींवसर विधानसभा सीट को लेकर यहाँ पर मतगणना स्तर पर सभी तैयारियां और पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो स्ट्रांग रूम के बाहर की सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रहते हैं, क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि भी वहां पर लगभग उनके समर्थकों के साथ वो डटे रहते हैं, और व्यवस्थाएं किस तरीके से है की गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है और काउंटिंग शुरू हो, वैसे वैसे धड़कने भी लोगों की तेज़ हो जाती है, और धड़कने जब तेज़ हो जाती हैं कभी कभी कुछ लोग लगता है कि आपा भी अपना खोने लगते हैं कि नहीं साहब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जिसके फेवर में जा रहा है वो लड्डू जो है, मिठाई का जो है वो डब्बा खोलने लगते हैं और लड्डू बटने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लड्डू जो है धरे के धरे रह जाते हैं।
निश्चित रूप से चुनाव में इस तरह की बात देखने को मिलती है, जहां जहां पर जिस तरह से जिनका प्रत्याशी बढ़त लेता है वैसे वैसे उनके समर्थकों में खुशी देखी जाती है, और जब जब प्रत्याशियों के रिजल्ट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलती है तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं मायूस भी होते हैं। अगर खुसर विधानसभा सीट को लेकर नागौर के राजकीय महाविद्यालय के अंदर जो मतगणना स्थल बनाया गया है वहां पर करीब 20 राउंड के अंदर पूरी मतगणना होगी। इसके साथ ही प्रत्येक राउंड में करीब 10,000 से अधिक मत गिने जाएंगे, और इस बार जो यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से और पुलिस के द्वारा से पुख्ता इंतजाम किए गए, त्रिस्तरीय सुरक्षा मतगणना केंद्र पर की गई है, जहां पर पुलिस आरएसी के जवान इसके साथ ही भारतीय सेना के जवान भी यहां पर तैनात रहेंगे ताकि जो मतगणना हो वो पूरी तरह से ठीक है। वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमको दी। 84 विधानसभा से एक बड़ी जानकारी आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की 84 विधानसभा से आप देख पा रहे हैं उपचुनाव का रण। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, 84 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट कल। तो डूंगरपुर में बड़ी जानकारी, 16 टेबल पर 18 राउंड की होगी मतगणना, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप देख पा रहे हैं। कुल 189,858 वोटों की गिनती की जानी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी देख पा रहे हैं, 84 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट कल घोषित किया जाएगा। डूंगरपुर में SBP कॉलेज में मतगणना होना है और 16 टेबल यहां पर लगाए गए हैं, 18 राउंड में ये रिजल्ट जो है वो आएगा। अब देखना होगा कि कल का दिन किसके लिए कैसा होता है, लड्डू कौन बांटेगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि जो जीतेगा वो लड्डू बांटेगा और जो अब बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप, बड़ी खबर, 189,858 मतों का जो है वो गणना किया जाएगा। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप, बड़ी जानकारी, तो कल रिजल्ट का दिन है, कल का दिन बड़ा अहम है, और अहम इसलिए क्योंकि जिन प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में चुनाव लड़ा है उन प्रत्याशियों के बारे में जनता कितना सोचती है, उन प्रत्याशियों को जनता कितना तरजीह देती है, ये अपने आप में बेहद ही खास होने जा रहा है कल का ये चुनाव, कल का ये मतगणना। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, तो आपको बता दें कि कल 189,858 वोटों की गिनती की जानी है। सभी सियासी पार्टियों ने जोर आजमाइश जो की थी अब उसका परिणाम आएगा, परिणाम कितना अच्छा होगा, कितना सकारात्मक होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये तो जनता के आशीर्वाद की ही बात है। आशीर्वाद EVM में जो बटन दबे हैं उसके तरह, अब किसको जनता सिर माथे पर बैठाती है, और क्योंकि हमारे यहाँ यही खासियत है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती जो है वो आप चुनाव जितवा दीजिए, जनता जिसको मूड बना लेती है और उसी को वोट करती है और वही जो है सत्ता का सिकंदर बनता है। अब देखना होगा 7 सीटों पे जो कल रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर कितनी तैयारियाँ की गई थी और जनता ने
किस पर कितना भरोसा जताया है। और ये भी कल जैसे जैसे सुबह 8 बजे से लगभग मतगणना शुरू हो जाएगी और लगभग 11-12 बजे तक 1 बजे तक का मैच टू मैच लगभग जो है चीज़ें वो साफ होने लगेंगी, क्लियर होने लगेंगी, चीज़ें किसके फेवर में है। यहाँ पर कमल खिल रहा है, हाथ जो है वो मजबूत हो रहा है। 11 महीने का जो भजन लाल सरकार का सुशासन रहा है उसको जनता ने कितना तरजीह दी है, उसको लेकर जनता ने कितना जनता का स्नेह मौजूदा समय में जो प्रत्याशी हैं उनके प्रति रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बार उपचुनाव में क्या होता है। तो साग की भी दाव है, साग की बात है और देखना होगा। अगर इसके पहले आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लगा था उसको क्या डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, या इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्साह दिखा कार्यकर्ताओं में, अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने की और रिजल्ट जो है वो सकारात्मक रहा। अब देखना ये होगा कि क्या कमोबेश स्थिति वही रहती है या जनता ने कुछ मूड बनाया है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ अब महेश्वर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महेश्वर, अगर बात करें कल जो मतगणना है उस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है? महेश्वर आप सुन रहे हैं? महेश्वर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। बड़ी जानकारी है और ये 84 विधानसभा सीट की अगर बात करें तो कल का दिन जो है किसके लिए शुभ होगा और किसके लिए संघर्षपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम अमंगल नहीं कह सकते, क्योंकि शुभ और संघर्षपूर्ण इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये राजनीति है साहब, यहाँ चीज़ें होती रहती हैं, जीत और हार। जब मैदान में दो शेर लड़ते हैं, एक तो जीतेगा एक हारेगा, और ये बात ऐसी कमोबेश स्थिति राजनीति भी हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो ये बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप, तो बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, 84 है विधानसभा सीट की अगर बात करें, जगमोहन बीड़ा और राजेंद्र भांबू और ये कई उम्मीदवार हैं, क्यूसर सलमपुरी, उन प्रत्याशियों के जो है वो प्लेट हम ग्राफिक प्लेट आपको दिखा रहे हैं जिनके किस्मत का फैसला कल हो जाना है, यानी जनता ने किसको सिर माथे पर बैठाया है, कौन विधायक जी होंगे, कौन नहीं होंगे, ये तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान का रण उपचुनाव की अगर बात करें सलंबर विधानसभा की, तो कल कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि कल का जो दिन है वो जनता जनार्दन का ही दिन है। आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपने क्या किया है, ये कल आपको पता चल जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, उपचुनाव का जो रण है, तो बड़ी जानकारी उपचुनाव का रण रामगढ़ विधानसभा सीट, ये प्रत्याशी के नाम आप देखते रहिए, समझते रहिए, जिनके नामों को अगर हम बात करें कल उनकी किस्मत का जो है वो फैसला होना है। बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी है, कल का दिन बेहद ही शानदार है, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारे साथ महेश्वर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महेश्वर, कल का दिन
बेहद ही खास होने वाला है। उपचुनाव के रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, तो किस तरीके से तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं और आपके पास जानकारी क्या है महेश्वर, बताइए। सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि त्रिकोण में मुकाबला है, 84 विधानसभा एक हब सीट है जहां पर मुख्यमंत्री के दो बार दौरा हो चुका है, वो त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर पुलिस का सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है और यहां पर पुलिस चाप्ता मौजूद है। त्रिकोणीय मुकाबला है, 2,55,370 है। मैसूर, आप एक जगह स्थिर रहिए क्योंकि आप आउट ऑफ फ्रेम हो रहे हैं, एक जगह स्थिर होके बोलिए। हाँ बोलिए। 2,55,387 है पूरे और 1,89,000 वोट पड़े हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, कल देखा जाएगा कि क्या होगा। क्या नजर आ रहा है इस बार, जो फाइट है किसके बीच में है, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाएगी, हाथ मजबूत होगा या अन्य क्षेत्रीय जो भी पार्टियां हैं उन पर जनता विश्वास करेगी, फाइट किसके किसके बीच में आपको लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पर बीजेपी और बाप के है। राजकुमार रोत ने 70,000 वोट से 84 में लीड दे दी। अब अगली बार देखा जाएगा कि बीजेपी और बाप और ये कांग्रेस तीनों में से देखा जाएगा। अच्छा महेश्वर, एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात हम करें, जैसा कि ये अभी तक ये रहा है कि उपचुनाव में चीजें सत्ता पक्ष के फेवर में ही गई हैं, कि लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है कुछ अगर सीटें इधर उधर हो जाएंगी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्ता में तो बीजेपी ही रहेगी। आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के फेवर में चीजें जाएंगी? 11 महीने का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, सुशासन है, भजन लाल सरकार की जनता उस पर विश्वास करती हुई नजर आ रही है, या जनता ने भी मन बनाया है कि नहीं साहब कुछ जो है परिवर्तन होना चाहिए, विपक्ष और मजबूत हो, यानी विपक्ष को कुछ और सीटें दे दिया जाए? सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ मुकाबला है और यहाँ पर कारीलाल जो ननोमा है वो भी पुराने कैंडिडेट है, जो सरपंच से लेकर प्रधान तक से बीजेपी के दावेदार है, अभी वर्तमान में विधायक के रूप में उम्मीदवार है। सुरक्षा, चलिए अच्छा ठीक है, मैं आपको स्ट्रांग रूम के संबंध में कुछ जानना चाहूंगा, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं, सिक्योरिटी कितने लेयर में है और जो प्रतिनिधि के साथ उनके समर्थक आएंगे उन लोगों के रुकने ठहरने या उनसे कितने दूर पे उनको रोका जाएगा, या असामाजिक तत्व भी इधर उधर घूमने लगते हैं उनको रोकने के लिए सिक्योरिटी की क्या व्यवस्थाएं हैं ये बताइए। सौरभ, मैं बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी व्यवस्था है, यहाँ सीआरपीएफ के जवान अभी नाइट को भी तैनात है और यहाँ पर जो मीडिया सेंटर बना रखा है उसको भी बहुत दूरी पर रखा गया है और जो ये लोग है उनसे भी दूर रखा गया है। और जानकारी मैं आपसे ये लेना चाहूंगा महेश्वर, ये बताइए कि जो कितने राउंड में मतगणना की जाएगी? सर, मैं बताना चाहूंगा कि 18 या 22 राउंड में यह मतगणना होगी, बैलेट पेपर से मतगणना होगी, फिर इसके बाद ईवीएम से, ईवीएम से ही होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उपचुनाव करण खीवसर विधानसभा सीट से हम आपको दिखा रहे हैं और सलमपुर से रामगढ़ विधानसभा,